हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब पालक और मक्के का कॉर्न, जो होता है कॉर्न का, उसका सब्जी। तो पालक धो के साफ करके रख दिया था, थोड़ा सा पानी भी निचुड़ गया है, तो इसको अभी हम गर्म पानी में बॉईल कर लेंगे। तो ये क्या 2 मिनट 5 मिनट में लगता भी नहीं है, पालक में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो फटाफट बॉयल हो जाता है। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक इसलिए डालते हैं कि इसमें कड़वापन वैसे तो रहता नहीं है, बाई चांस नहीं, और इसको ढक के नहीं हम ये करेंगे, ऐसे ही बॉयल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा खाली नाम के लिए डालेंगे नमक। तो ये हमने बॉयल करने को रख दिया है, तो ये हमारा अभी 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसको सब अंदर करके आराम से बॉईल हो जाएगा ये। तो अभी फिर इसका हम मसाला बना लेते हैं। तो मसाले में क्या क्या डालना है तो चलो देख लेते हैं मसाले। तो मसाले में हम डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्ची भी डाल देंगे, कौन है साइड में, और टमाटर ही हमने बॉईल कर लिया है कौन। तो इसका पेस्ट बना के, और इसमें हम किसी चीज़ का तड़का नहीं देंगे, ऐसा ही अभी हम फ्राई कर लेंगे इसको, मसाले को कि मसाला फ्राई कर लेंगे। तो जब तक लहसुन प्याज भुन भुन रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से भुन जाना चाहिए। तो ये हमारा भुन के हो गया, अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, जो हमने टमाटर पीस के रखे थे। तो इसको भी हम भून लेंगे, फिर इसमें हम मसाले डाल देंगे सारे। तो मसाला क्या है, सब्ज़ी में अच्छे से भुन जाता है ना, तो फिर सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। हाँ, थोड़ा आजू बाजू से आवाज़ें आ रही होंगी तो इग्नोर करिए। तो इसमें भी हम डाल देंगे हल्दी और मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक हमने पहले पालक में भी डाला था इसलिए, और पालक में वैसे भी थोड़ा नमकीन जैसा होता है। इसमें गरम मसाला डाल देंगे, तो गरम मसाला तो हम किचन किंग ही डालते हैं, उससे क्या है सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये सब हम मसाले भून लेंगे अच्छे से। तब तक हमारे मसाले भून रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत ना भूलें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, थोड़ा जल्दी जल्दी हमारे करा दो, आज तो बहुत सारे अन हो गए हैं। तो ये पालक हमने पीस के ठंडा हो गया, इसको पीस लिया है, अभी हम इसको भी डाल देंगे। मसाले हमारे पीस के रेडी हो गए भून के अच्छे से, 4-5 मिनट अच्छे से हमने भून लिए थे मसाले। और अभी ये सब पालक डाल देंगे इसमें, तो इसका सब्जी ना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा बना भी है कि बहुत अच्छा बना है कॉर्न के साथ में पालक की सब्जी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। क्या है, सब्जी थोड़ा मसाले पक जाए, और थोड़ा ये ऐसा होता है ना, कभी हम सोचते नहीं है ना कि सोच के बनाते तो वो कभी अच्छा नहीं बनता है, ऐसा होता है। कभी जब सोच के नहीं बनाते, फटाफट बनाते, वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है। हमने काफ़ी बार ऐसा किया देखा है, और काफ़ी बार ऐसा हुआ भी है। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया है पालक कॉर्न की सब्जी। तो इसको अभी हम निकाल लेंगे एक बॉल में, फिर हम इसमें ना ऊपर से तड़का देंगे। इसको भी हम निकाल देंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे छोटे से बॉल में इसमें, और फिर इसमें हम तड़का देंगे अलग से ऊपर से। इसमें सारा निकाल लेंगे। तो ये हमने तड़के का बर्तन लिया है, और इसमें हम डालेंगे अभी जीरा और लाल मिर्ची, इससे हम तड़का देंगे। और नींबू ना ऊपर से, हमने जो नींबू रखा था वो ऊपर से आप खाने के टाइम उसमें निचोड़ के, आपको खट्टा चाहिए तो डाल सकते हो, और अच्छा टेस्टी लगता है, क्योंकि उसमें कॉर्न भी है तो मीठा मीठा सा लगेगा, और ये नमकीन है, और जब हम खट्टा डालते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें मैंने सारे में नहीं डाला कि बच्चे नहीं खाएंगे इसलिए, तो मैंने जब खाया तो उसमें डाला था। तो ये इसका अब हम तड़का दे देंगे, और इसमें थोड़ा सा जो हमने कॉर्न बचा के रखा है वो भी डाल देंगे ऊपर से।
क्योंकि सारे कॉर्न नहीं डाले थे हमने, ये हमारे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है कॉर्न और पालक की सब्जी। तो वीडियो पे बस इतना ही है, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।